हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में तो प्रीवियस ईयर्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली। तो 2014 में ये क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉनिक्स टीम वालों को। यूनिवर्सिटी हमारे पास राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इस क्वेश्चन की वेटेज है 8 मार्क्स की। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, हमें ये रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है इसके अंदर और हमें बोला गया कि भाई आप फीफो एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इन पर अप्लाई करो और ये बताओ कि भाई आपके पास टोटल में कितने पेज फॉल्ट फीफो में आए और ऑप्टिमल वाले में आए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 5 मिनट लेगा, बट थोड़ा सा ध्यान से करना। तो आज इसको करते हैं हम कि फीफो और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। देखो, बात आती है फीफो की, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि फीफो का एग्जैक्टली मतलब क्या है, कि हम उसको बाहर निकालेंगे इसमें से, उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो सबसे ज़्यादा देर तक क्या है मेमोरी में स्टे किया हुआ है। ठीक है, उस पेज को पकड़ेंगे और बाहर निकालेंगे। ठीक है, देखो अब कैसे चलेगा। मेरे पास 3 फ्रेम गिवन है, तो क्या करना है, पहला हमारे पास क्या हो गया, मिस हो गया, क्योंकि 1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लिखेंगे 1। अब 2 आया तो 2 क्या एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, तो मेमोरी में जगह खाली पड़ी है, दे दी। 3 का नंबर है, क्या 3 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिस हो गया ये। ठीक है, 1, 2 और ये 3। अब बारी आई 4 की। अब देखो 4 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता भाई, ये तो इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अब किसको हटाएंगे, जो सबसे ज़्यादा देर से स्टे किया हुआ है, तो 1 इसमें सबसे ज़्यादा देर से स्टे कर रहा है, तो 1 की जगह 4, बाकी एज इट इज। आगे चलते हैं, बारी आई 2 की, क्या 2 एग्जिस्ट करता है, जी हाँ करता है। ठीक है जी, तो हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब बारी आती है 1 की, क्या 1 एग्जिस्ट करता है, भाई करेंटली तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मिस। और क्या करेंगे, किसको हटाएंगे भाई, देखो ये 2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 2 वाले को हटाएंगे और 1 लिखेंगे, बाकी मेरा एज इट इज़। अब बारी आई 5 की, देखो 5 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो क्या करेंगे, जल्दी से इसको मिस लिखेंगे और किसको हटाना, जो ज़्यादा देर से स्टे कर रहा होगा, 3 वाला ज़्यादा देर से स्टे कर रहा है, 3 की जगह 5, 1 और 4। ठीक है, 6 की बारी आई, 6 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे, किसको हटाना पड़ेगा, अब देखो ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम से, 4 टाइम्स है, तो 4 की जगह 6, बाकी सेम। ठीक है, यही चलता है तरीका। 2 की बारी आई, 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2 की जगह क्या करेंगे, पहले मिस कर देंगे, और क्या किसको हटाना है, अब हमें ये अभी आया था, ये 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 1 की जगह 2। आगे चलते हैं, 1 का नंबर आया, क्या 1 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो किसको हटाएंगे, अब 3 वाले को। ठीक है, ये 5 वाले को, क्योंकि 3 टाइम्स है, 5 की जगह 1, बाकी 2 और 6। ठीक है, अब चलते हैं 2 का, अब 2 की बारी है, क्या 2 एग्जिस्ट करता है, जी हाँ करता है, तो ये 6, ये 2, ये 1। आगे चलो, 3 का नंबर आया, अब 3 एग्जिस्ट करता है, जी नहीं करता, ठीक है, किसको हटाएंगे, देखो ये 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 4 वाले को, मतलब 6 में से 6 को हटाएंगे, 3 लिखेंगे, बाकी ये सेम। 7 की बारी आई, 7 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी मेरे लिए हो गया मिस, अब किसको हटाएंगे, इस 2 वाले को, क्योंकि ज़्यादा से यही है। अब बारी आई 2 की, 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो किसको हटाऊंगा, अब इस वाले को हटाऊंगा। ठीक है, अब आपको तरीका पता चल चुका है बेसिकली, 3 वाले का नंबर आया, ये मेरे लिए हिट हो गया, 2 का नंबर आया, 2 भी हिट हो गया, 1 का नंबर आया, ये मेरे लिए मिस हो गया, तो किसको हटाना है भाई, देखो 3 सबसे ज़्यादा देर से स्टे कर रहा है, तो 3 की जगह 1, बाकी सेम। ओके, आगे चलो, 2 का नंबर आया, 2 हिट कर गया, ठीक है जी, 3 का नंबर आया, 3 मिस कर गया, 3 की जगह क्या लिखूंगा भाई, अब 7 को हटाऊंगा, क्योंकि 7 ज़्यादा देर से स्टे कर रहा है, 7 की जगह 3, बाकी सेम। 6 का नंबर आया, 6 एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे, ये मिस हो जाएगा, और किसको हटाऊंगा मैं, अब 2 वाले को, ठीक है, 2 की जगह 6। तो देखो कितने पेज फॉल्ट आए इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है जी, 15 आपके हो गए पेज फॉल्ट। आगे चलो, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये क्या कहता है, ये फ्यूचर की बात करता है, कि भाई फ्यूचर में हम किसको हटाएंगे, करेंटली हम उसको हटाएंगे जो करेंटली में से क्या है, फ्यूचर में सबसे ज़्यादा लास्ट में जाके कॉल होगा, ठीक है जी, तो उसको हम हटाएंगे। देखो कैसे, एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको,
एक का नंबर आया एक हो गया मिस, तो ये हो गया वन। दो का नंबर आया दो भी हो गया मिस, ठीक है जी। तीन का नंबर आया मेमोरी में जगह पड़ी, ये भी मिस पड़ा है, तो ये अब मेरे पास हो गए फ्रेम भर गए। अब बारी आती है चार की, चार हो गया मिस, तो भाई अब मैं किसको हटाऊं। बारी आती है तो बात करते हैं कि यहाँ से देखो आप, ठीक है, वन टू थ्री में से हमें वो देखना है जो सबसे लास्ट में जाके इनमें से कॉल हो रहा होगा। तो देखो वन, देखो टू आ गया सबसे पहले, वन इसके बाद आ गया, ठीक है। आगे अब देखने की जरूरत नहीं, तीन को हटाएंगे हम, तीन की जगह चार, बाकी ऐसे, ठीक है। ऐसे डॉट लगा लोगे तो आइडिया हो जाएगा कि कौन से हो गए, ये बच गया, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं, इसको हटाओ पहले। दो का नंबर आया दो एग्जिस्ट करता है, वन टू फोर। एक का नंबर आया एक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हिट हो गया मेरे लिए। पांच का नंबर आया पांच मिस कर गया, तो अब क्या करेंगे चेक करेंगे। देखो वन टू फोर में से टू आ गया वन आ गया, मतलब चार बाद में आएगा कभी, तो चार की जगह क्या करेंगे पांच को लिख देंगे। छः की बारी आई, क्या छः एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो क्या करेंगे सेम वही वन टू फाइव में से चेक करेंगे, टू आ गया वन आ गया, टू आ गया और वन आ गया, पाँच की जगह छः, ठीक है। अब आ रही बारी आई टू की, टू मेरे पास एग्जिस्ट करता है, तो क्या करेंगे सेम एज इट इज लिख देंगे हम। एक का नंबर आया एक एग्जिस्ट करता है, वन टू सिक्स। दो का नंबर आया दो भी एग्जिस्ट करता है, वन टू सिक्स। तीन का नंबर आया तीन, देखो तीन मेरे पास अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो किसको डाऊंगा वन टू सिक्स में से। देखो टू आ गया थ्री टू वन आ गया, सिक्स नहीं आया, ठीक है, सिक्स की जगह थ्री, ये टू और ये वन, ठीक है। सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे डॉट भी लगा लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। सात की बारी आई, सात हो गया मिस। अब क्या करेंगे किसको डाएंगे वन टू थ्री में से, टू आ गया देखो थ्री आ गया, वन बाद में आ रहा है, तो वन की जगह सेवन, बाकी एज इट इज़। टू का नंबर आया टू एग्जिस्ट करता है, तो किसी को हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। तीन का नंबर आया तीन भी मेरे लिए क्या हो गया हिट, तो किसी को भी हटाने की ज़रूरत नहीं। टू फिर से आ गया तो फिर से ये मेरे लिए क्या हो गया हिट, ठीक है जी। वन आ गया, अब वन को हटाएंगे, अब वन को लगाना है भाई क्योंकि मिस हो गया, वन एग्जिस्ट नहीं करता, तो किसको हटाऊंगा। देखो सात दो तीन में से दो आ गया तीन आ गया, ठीक है, कौन सा नहीं आया सात, सात आ ही नहीं रहा, तो सात की जगह वन, बाकी टू और थ्री, ओके। अब चलो आगे, दो आ गया दो मेरे पहले एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया हिट, ओके। तीन का नंबर आया तीन भी एग्जिस्ट करता, तो ये भी हो गया हिट, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आई बारी छः की, छः एग्जिस्ट नहीं करता, ये हो गया मिस, तो क्या करना है हटाएंगे किसको, वन टू थ्री आगे कोई भी नहीं, तो किसी को भी हटा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वन को हटा देते हम, ठीक है, वन की जगह टू और थ्री। अब टोटल काउंट कर लो कितने हमारे पास मिस हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई ऑप्टिमल पेज रिजोल्यूशन, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेसिकली गिव्स यू 10 पेज फॉल्ट एंड फीफो गिव्स अस 15 पेज फॉल्ट, सो देयरफॉर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम गिव्स अस द बेस्ट रिजल्ट इन कंपैरिजन विद द फीफो, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, आठ नंबर के अंदर ये आया था टेक्निकल, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसे आप कर लीजिए। देखो काफ़ी पेपर्स मैं डाल रहा हूँ राजस्थान के अलावा, MDU के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उसे भी करके जाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कैसे आ जाए। साथ ही साथ जिसको भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का सब्जेक्ट और सेमेस्टर में, वो इस चैनल से रेफर कर सकता है भाई, काफ़ी मैंने इसके अंदर 90% सिलेबस तकरीबन करवा दिया है, तो आपके काफ़ी काम आएगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे वीडियो के साथ और वीडियोज़ के साथ, और हो सके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।